भगत टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने आज नया टॉपिक्स लिया है जिसके ऊपर जीएसटी। पहले के वीडियो में आप देखेंगे तो हमने जीएसटी का न्यू रिटर्न कैसे करते हैं उसके बारे में बताया, जिससे काफी अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर को जिनको जीएसटी का न्यू रिटर्न भरना था और उनको भरने के लिए हमेशा 500 रुपीज देना पड़ता था हर महीने, वो अभी उसके सहूलियत पे जीएसटी न्यू रिटर्न भरने का वीडियो बनाया था। अभी हम ये वीडियो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर और एज ए स्मॉल कॉन्ट्रेक्टर, जो छोटे कॉन्ट्रेक्टर है उनके लिए है, जो लोगों के पास थोड़े बिल्स होते हैं और उनको अपना नील रिटर्न छोड़ के भी आपको कभी कभी बिल भी भरना पड़ता है, तो उसको कैसे भरेंगे उसके बारे में देखिए। और इससे पहले वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देता कि अभी यदि आप लोगों के पास जीएसटी का पहले का रिटर्न नहीं भरा है तो अभी आप भर दीजिए वो जीएसटी का रिटर्न। अभी जीएसटी में जो भी आपको फाइन थे वो फाइन माफ कर दिया गया है। 2017 के बाद जो भी आपने लोगों ने रिटर्न नहीं भरा उसके लिए जो भी फाइन था वो पूरे फाइन माफ कर दिया गया है। तो अभी आप अपना नील रिटर्न या फिर जो भी बिल है पंच करके आप अपना रिटर्न क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी फाइन नहीं लगेगा। अभी हम आपको रिटर्न भर के भी दिखाएंगे जहाँ पे भी मुझे भी फाइन नहीं लगेगा वो भी देखिए, मैं भी पुराना रिटर्न भर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लॉगिन करते हैं और डैशबोर्ड्स में आते हैं। तो डैशबोर्ड में यदि आपको देखेंगे तो मेरा अभी जो लेजर बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस है वो 5715 है, मतलब इतना हमारा भी बैलेंस बचा हुआ है, इतना का मैं बिल बुक कर सकता हूँ ये अमाउंट्स का 5715 प्लस 1675 प्लस 1657, इतना अमाउंट मेरे पास एक्स्ट्रा, मतलब बाकी लोग हमारे बेसिकली ये जो बैलेंस हमारे पास आया है ये बैलेंस किस तरीके से आया, हमने उतना का सेल नहीं किया पर हम लोगों ने परचेज किया, मैंने इससे ज्यादा का परचेज किया पर उतना का सेल बुक नहीं हो पाया है इसलिए ये बैलेंस मेरा बढ़ गया है। इसके ऊपर सेल बुक करूंगा तो ये मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट इस अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, या फिर नया यदि हमने जो भी लिया है अमाउंट हमने जो परचेज किया उसका अमाउंट यहाँ पे बढ़ भी सकता है, वो एडजस्टमेंट होता रहेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 5715 1657 1657 ये हमारा अमाउंट है। तो हम यहाँ पे रिटर्न यदि हमको भरना है यहाँ पे बिल बुक करने का भी हम देखेंगे तो फाइल रिटर्न यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन में जाएंगे फाइल रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद फाइल रिटर्न में आपको यहाँ पे फाइल रिटर्न ईयर आ जाता है आप कौन से ईयर का भरना चाहते हैं। तो मेरा 18-19-20 क्लियर है, 2021 का देखेंगे मैंने आपको भरा है अप्रैल मई का भर दिया है, जून का नहीं भरा है तो आपको पता कैसे चलेगा आपने भरा है कि नहीं, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट अगस्त में जाएंगे तो आप उसका रिटर्न नहीं भर सकते, आपको मंथ बाय मंथ आपको भर के क्लियर करके आना पड़ेगा। तो हमारा मई का देखिए हमने भरा है क्या नहीं, यहाँ पे आएगा इसका फील्ड हो गया है, दैट मीन्स हमने इसका रिटर्न भर दिया। और ये जो है मेरा छोटा, हम लोग छोटे व्यापारी है, छोटा बिजनेस है, स्मॉल स्केल का बिजनेस है, तो जीएसटी R1 हमारा हर 3 मंथ्स में भरना होता है, इसकी वजह से ये 3 मंथ्स के लिए लॉक किया है। यदि आपको ये ऑप्शन यदि मंथली है तो आप यहाँ पे एडिट में जाके इसको क्वार्टरली कर सकते हैं, या फिर आपको मंथली में भरना है बदलना है तो भी आप यहाँ पे एडिट में जाके इसको मंथली कर सकते हैं, मंथली से क्वार्टरली और क्वार्टरली से मंथली आप यहाँ पे जाके इसको ऑप्शन पे कर सकते हैं। तो हमारा 3 महीने का, इसलिए मैं 3 महीने का रिटर्न भरता हूँ, तो मेरा मई का भर गया है तो मैं यहाँ पे जून का भरना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जून पे क्लिक करता हूँ, उसको सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो जून का देखिए R1 मैंने भर दिया है, तो मैं R1 के ऊपर तो यहाँ पे अभी कुछ काम नहीं कर सकता, इसके ऊपर मैंने इसका रिटर्न भर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे इसलिए अभी R2 जो B2B है, मतलब मैंने जो भी, फिर भी मैं यहाँ पे आपको R1 का डिटेल दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यदि आपने भरा नहीं है तो कैसे भरेंगे, अभी आपके पास कोई बिल है बिजनेस टू बिजनेस में आपके पास कोई बिल है तो आप यहाँ पे बिजनेस टू बी टू बी, मतलब आगे वाले पार्टी के पास भी जीएसटी है और आपके पास भी जीएसटी है तो उसका बिल आप कैसे बुक करेंगे, यहाँ पे आपको बी टू बी में क्लिक करना है, बी टू बी में क्लिक करना है और यहाँ पे ये ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आएगा जो मुझे अभी नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पे ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप ऐड डिटेल्स कर सकते हैं, ये हमने भर दिया इसलिए मुझे यहाँ पे ऐड डिटेल्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैंने जब भी रिटर्न भरा था पिछले मंथ का तो वहाँ पे एक ऑप्शन आया था मेरे पास, तो देखिए मैं उसकी इस मंथ का भी आपको रिटर्न का 2 ईयर का दिखाता हूँ, जो हमने परचेज किए हैं कोई भी परचेज किए हैं और उसने मेरा रिटर्न भरा है वो मुझे कहाँ से देखने मिलेगा, मैंने कोई चीज किसी से परचेज किया उसने मेरा रिटर्न भरा है कि नहीं, तो यहाँ पे 2A है, देखिए 2A यहाँ से मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो देखिये बिजनेस टू बिजनेस में ये 2 आए, यहाँ से हम लोगों ने फेसबुक को मैंने पेमेंट किया था उसने मेरा रिटर्न भरा है, और निम्बस इसको मैंने भरा था पैसा इसके जिसने मुझे मेरा रिटर्न भर के
तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, और जो मुझे डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। डायरेक्ट मुझे देखने का नहीं है, मुझे पूरा का पूरा फाइल एक्सेल के शीट में डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जनरेट एक्सेल फाइल डाउनलोड, जब ये फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो 10 मिनट के बाद आपका डाउनलोड होगा। मैंने ऑलरेडी पहले ही क्लिक करके रखा था, तो मुझे अभी तुम्हें डाउनलोड करने का मिलेगा। आपको यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको 10 मिनट के बाद ये फाइल जनरेट होगा। तब तक 10 मिनट के बाद ये आपको फाइल डाउनलोड आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मुझे पूरा एक्सेल का शीट देखिए डाउनलोड हो चुका होगा। जो मैंने व्यू करके दिखाया है इसका पूरा समरी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे B2B का पूरा बता रहा है। यहाँ पे देखिए B2B में कौन कौन से इनवॉइस का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। यदि हमारा बिल कुछ आपस हो गया या फिर कुछ रिटर्न हो गया या किसी का एक्स्ट्रा बिल अमाउंट हो गया, वो मुझे क्रेडिट नोट में देखने को मिलेगा। जिसका भी बिल का एंट्री मुझे वहां पे करना पड़ता है। यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस में यहाँ पे देखिए मैंने कितने का GST का लिया, यहाँ पे मुझे आ जा रहा है। तो मैं इसका सम कर लूंगा सबका। जून शर्ट और यहाँ पे सॉरी 21 और यहाँ पे मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करूंगा। ये ऑप्शन आता है जो आपको सब कुछ इसके डिटेल्स के बारे में बताता है। आप चाहे तो ये रीड कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, इसको ओके करते हैं। अभी मुझे यहाँ पूछा यदि नील रिटर्न भरना है तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, ये पूरा का पूरा मेरे लिए डिजेबल हो जाएगा। तो मुझे नील रिटर्न नहीं करना है क्योंकि मेरा इन्वॉइस है। तो मुझे इन्वॉइस कितने का है, तो मुझे इस महीने का जो इन्वॉइस था मेरा वो था ये वाला। यहाँ पे मुझे ये GST 2A का है, तो मुझे ये पंच करना है। यहाँ पे हरे कारे के अमाउंट का बताता है आपको, जो आपने किसी से यदि वहां पे बिल आपने पंच किया होता B2B में पंच करते तो आप इसको यस करते ITC का क्लेम या रिवर्स चार्जेस के लिए। तो यहाँ पे आपका पास ये है, यदि आपने किसी से बिल दिया होता तो इसको यस करते। तो यहाँ पे नहीं, मैंने बिल कोई भी नहीं दिया है, इसको मैं नो कर दूंगा। और यहाँ पे ITC मैं टैक्स क्रेडिट लेने वाला हूँ तो इसको मैं यस करूंगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे यस करेंगे उसका विंडो अभी यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो उसका विंडो खुल जाएगा। एग्जेम्प्ट के लिए कुछ है क्या, नील रिटर्न के रिगार्डिंग नो, ये सभी ऑप्शंस हमारे लिए नो है। सिर्फ मैं यहाँ पे मेरे पास जो हमने लोगों ने 2A में देखा था, 2A में मेरे पास कुछ बिल हम लोगों का जो परचेज था वो है, इसलिए मैं इसको यस कर रहा हूँ। यदि सेल का होता तो मैं इसको भी यहाँ पे यस कर दे और इसको नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे ITC का ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है। या TDS क्रेडिट का भी आपने को यदि रहता है तो TDS क्रेडिट का भी ऑप्शन हमारे पास एलिजिबल हो जाता है। तो ITC में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन ऑल अदर ITC में जाके हम अपना अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट का अमाउंट मेरा कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे IGST है 1299.05, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ 1299.05। ये मेरा अमाउंट यहाँ पे हो गया। और CGST का ये हमारा अमाउंट है 00, ये सभी मेरा यहाँ पे 00 है, इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको कंफर्म करता हूँ। जैसे कंफर्म कर दिया यहाँ पे 1299.005 ले लिया और यहाँ पे सेव GST 3B कर देंगे। 3B को मैं यहाँ पे तो देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया सब कुछ। यहाँ पे टोटल मेरा पहले का 7,000 था और अभी का ये अमाउंट मिला के मेरा 10,328 रुपए का मेरा टैक्सेबल कैश लेजर बैलेंस बन जाता है। पहले का भी ले लिया उसने, अभी का भी ले लिया, सब मिला के मेरा ऑटोमेटिकली वो लेजर बैलेंस ले लेता है। तो मैं मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर में क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा वो है वो लेजर में डाल दो, तो मेरा वो लेजर में आ जाएगा। प्रोसीड टू फाइल, यहाँ पे मेरा नाम से EVC से मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे OTP डालेंगे,
और इसको वेरीफाई। मैंने सक्सेसफुली कर दिया, डाउनलोड करेंगे फाइल GST3D को। तो देखिए इस तरीके से मुझे डाउनलोड करके दिखा है। मैंने जो 1299 का बना था वो देखिए ITC में दिख गया, और ये मेरा लेजर में ऐड हो जाएगा। पहले का लेजर मैंने आप लोगों को दिखाया था। अभी डैशबोर्ड में जाके रिटर्न में देखिए तो ये अमाउंट मेरा देखिए बढ़ गया, अभी 7014 हो गया। ये IGST ये उतना ही, क्योंकि इसमें अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं। इस तरीके से आपके पास यदि B2B में रहा और आपने परचेज किया हुआ बिल या फिर आपने सेल किया हुआ बिल किस तरीके से आप एंट्री करेंगे वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।